जय जिनेंद्र। पाठशाला में आपको अब हम कुछ नया कार्यक्रम देने जा रहे हैं। बहुत जगह से संदेश आए कि भक्तामर स्तोत्र का अर्थ पाठशाला में पढ़ाएं, तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार भक्तामर स्तोत्र का अर्थ पाठशाला में हम आप सबको बताएंगे। लेकिन भक्तामर स्तोत्र के अर्थ का अगर आपको आनंद लेना हो तो पहले आप एक काम करें, भक्तामर स्तोत्र की किताब लाएं, एक कॉपी लाएं और एक पेन लेके बैठें। अगर भक्तामर स्तोत्र की किताब नहीं हो तो आपके पास पूजा की पुस्तक होगी, वो ले आएं। पूजा की पुस्तक में, हर पुस्तक में भक्तामर स्तोत्र दिया होता है, तो उस भक्तामर स्तोत्र के सामने रख के अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा आनंद आएगा। सच क्या है पढ़ना और बात है, और अर्थ सहित पढ़ना और बात है। आज हिंदुस्तान अपने देश में हजारों नहीं लाखों महिलाएं रोज तत्वार सूत्र और भक्तामर का रोज पाठ कर कर ही भोजन करती हैं, लेकिन पाठ तो करते हैं उसके अर्थ का ज्ञान नहीं रखते। इसीलिए बहुत सी माताओं बहनों ने हमें बोला कि इसका अर्थ बताया जाए। आज वो अवसर आ गया है, देर मत कीजिए, एक पूजा की पुस्तक या स्तोत्र की पुस्तक, एक कॉपी, एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और आज से भक्तामर स्तोत्र का अर्थ हम प्रारंभ करते हैं। हम कैसे करेंगे ध्यान दें। इस समय हम बैठे हुए हैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में। ये सांगानेर का एक संस्थान है, आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की बड़ी अनुकंपा से ये संस्थान शुरू किया गया है। इस संस्थान में लगभग 150 छात्र धार्मिक अध्ययन करते हैं और संस्कृत व्याकरण भी पढ़ते हैं। तो आज आप बैठे हुए हैं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में। मैं क्या करूँगा, पहले आपको सही उच्चारण बताऊँगा, काव्य का सही उच्चारण क्या होना चाहिए। मैं बोलूँगा, फिर हमारे साथ जो हमारे यहाँ के छात्र हैं वो सब दोहराएंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊँगा और उसके बाद उस काव्य के ऊपर हमारे छात्र जो प्रश्न करेंगे उनके उत्तर आपको सुनने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको जैसे और कार्यक्रम हमारे बहुत पसंद आए ना, आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। हमें बड़ी खुशी हुई जब हमारे गुणस्थान के सारे कार्यक्रम को देश के सभी लोगों ने खूब सुना और खूब बधाइयों के तार पत्र हमारे पास आए। सबने कहा कि गुणस्थान बहुत अच्छी तरह बताए गए और हमें उम्मीद है उससे भी ज़्यादा आपको भक्तामर स्तोत्र का ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। और ये भी सुनिए, इस कार्यक्रम के 24 एपिसोड हैं। प्रतिदिन हम आपको दो काव्य पढ़ाएंगे और इन 24 एपिसोड के बाद हम आपको फिर क्या पढ़ाएंगे, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार सूत्र के हर सूत्र का सरल और ऐसा अर्थ जो आपके जीवन में उतर जाए वो हम आपको पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप सीखने की कोशिश करें और सीखने के साथ जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो आइए आज अब हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले उच्चारण देखें, कहीं आपके उच्चारण में अशुद्धि तो नहीं। आइए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, कम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक
प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनं भव जले पतताम जनाना। आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ पर हम विचार करते हैं। बोर्ड पर हमने इस काव्य को लिखा हुआ है, मैं बोर्ड से आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़िएगा। भक्त, भक्ति करने वाला भक्त कहलाता है। अमर माने देवता, भक्ति कर रहे देव, उनके प्रणत माने झुके हुए, मौली माने मुकुटों की, मणियों की, प्रभा माने कांति को, मुद्योतकम अर्थात प्रकाशित करने वाले अर्थात विकसित करने वाले। फिर एक बार देखें, संस्कृत है, थोड़ी कड़ी तो होती है, पर अगर आप समझने का मन बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। देखें, भक्ति कर रहे देवों के झुके हुए मुकुटों की, मणि की, प्रभा को, प्रभाणाम, उद्योतकम प्रकाशित करने वाले। दूसरा, दलित माने नष्ट करने वाले, पाप रूपी, तमो माने अंधकार के विस्तार को, अर्थात पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले। और सम्यक प्रणम्यो, अच्छी प्रकार प्रणाम करके, किनको? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के पाद माने चरण, युगम माने दोनों, जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को अच्छी प्रकार प्रणाम करके। कैसे हैं वे चरण? युगादौ, इधर से हमने ले लिया संधि विच्छेद, युग की आदि में भव जले संसार रूपी जल में पतताम गिरते हुए जनानाम प्राणियों को आलंबनम सहारा देने वाले। मानतुंग स्वामी ने इस काव्य में क्या लिखा? भगवान का स्तवन हो रहा है। पहले दोनों काव्य एक साथ पढ़े जाते हैं, दोनों का एक से एक संबंध है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आपके दोनों चरण कमल कैसे हैं हे भगवान? जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कैसे हैं? कैसे हैं कि भक्ति कर रहे अमर माने देवों के, परिणत माने झुके हुए, मौल माने मुक्तों की, मणियों की, प्रभा को प्रकाशित विकसित करने वाले हैं। और कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं? युगादौ, युग की आदि में संसार रूपी जल में, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को, जनानाम प्राणियों को आलंबनम सहारा देने वाले। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को सम्यक माने अच्छी प्रकार प्रणाम करके। अब इसके बाद जो दूसरा काव्य है वो इसमें जुड़ेगा कि इस अच्छी प्रकार प्रणाम करके आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके समझ में प्रत्येक शब्द आया होगा। अर्थ इधर भी मैंने लिखा है, भक्तामर भक्त देवों के प्रणत मौल झुके हुए मुकुट, मणि प्रभानाम रत्नों की कांति के, उद्योतकम प्रकाशक, वितानम माने विस्तार को, दलित माने नष्ट करने वाले, पतताम गिरते हुए, आलंबनम माने सहारा स्वरूप। एक बार फिर देख लें,
भक्ति कर रहे देवों के झुके हुए मुकुटों की मणियों की प्रभा को उद्योतकम प्रकाशित करने वाले प्रकाशक और पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले युगादौ युग की आदि में संसार रूपी जल में यानी समुद्र में पतताम गिरते हुए जनानाम प्राणियों को सहारा देने वाले कौन? भगवान जिनेन्द्र के दोनों चरणों को अच्छी प्रकार प्रणाम करके। आचार्य मान्तुंग महाराज भक्तामर स्तोत्र के प्रारंभ में ये मंगलाचरण कर रहे हैं। पंडित जी, इस भक्तामर स्तोत्र की क्या महिमा है? भक्तामर स्तोत्र की अचिंत महिमा है। आपने मान्तुंग स्वामी की कथा पढ़ी होगी। मान्तुंग स्वामी को जब राजा ने अपने दरबार में बुलाया और वे दरबार में उपस्थित नहीं हुए, तब उनको बुला के जबरन उन्हें जेल में बंद कर दिया। सुनते हैं 48 ताले लगाए गए थे। आचार्य मान्तुंग महाराज ने 48 काव्य बनाए, एक एक ताला टूटता गया और मान्तुंग स्वामी बाहर आ गए। इस स्तोत्र की महान महिमा है। इस स्तोत्र का हर काव्य काव्य नहीं मंत्र है। इसके द्वारा बड़े रोगों की शांति होती है और महान पुण्य का अर्जन होता है। पंडित जी, स्तोत्र की रचना कब हुई थी? इस स्तोत्र की रचना के बारे में दो प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का और आचार्यों का कहना है कि 6ठी शताब्दी में भक्तामर स्तोत्र रचा गया और कुछ कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। इस प्रकार दो मत हैं। पंडित जी, इस भक्तामर स्तोत्र को श्वेतांबर आदि में भी माना जाता है। हाँ, इस स्तोत्र की ये विशेषता है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज इस भक्तामर स्तोत्र को मान्य करती हैं। अंतर इतना है, श्वेतांबर लोग 44 काव्य मानते हैं और हम 48 काव्य मानते हैं। पंडित जी, इस स्तोत्र की रचना कहाँ पर हुई थी? सुनते हैं, इस स्तोत्र की रचना धारा नगरी के कारावास में आचार्य मान्तुंग स्वामी ने की थी। पंडित जी, इस भक्तामर स्तोत्र को कब पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? कुछ लोग इस भक्तामर स्तोत्र के बारे में ऐसा कहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र का वाचन दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं होना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं होना चाहिए, पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भक्तामर स्तोत्र का वाचन आप कभी भी कर सकते हैं। कैसे होना चाहिए आपने बोला, कैसे होना चाहिए हमें? अगर भक्तामर स्तोत्र का आपको पूरा पुण्य लेना हो, अगर पूरी विशुद्धि का फायदा उठाना हो, तो आनंद जब है जब भक्तामर स्तोत्र का पाठ आप कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति भगवान आदिनाथ के सामने उनसे आंख से आंख मिलाकर करें। आनंद जब है जब चांदखेड़ी के भगवान आदिनाथ के सामने आप बैठ के भगवान के सामने एकांत में आप इस स्तोत्र का पाठ करें, तब देखें इसका आनंद कैसे आता है। इसको पढ़ना कैसे चाहिए? उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, हर शब्द का अर्थ आना चाहिए और उच्चारण मुख से होना चाहिए और हृदय में उसके अर्थ का चिंतन होना चाहिए। फिर देखिए इसकी भक्ति और इसका फल। 7 क्षय पुण्य का बंद कराने वाला ये स्तोत्र है। आप समझिए, कोई दुकान बहुत समय से चलती है तो क्यों चलती है? क्योंकि उस दुकान का माल बहुत अच्छा होता है। इतने स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्र ही मान्य क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये स्तोत्र अनुपम और अनोखा है। पंडित जी, भक्तामर स्तोत्र पे कितने टीकाएँ और कितने अनुवाद उपलब्ध होते हैं? स्तोत्र पर संस्कृत टीका तो केवल एक ही दिखाई पड़ती है, आचार्य प्रभाचंद्र महाराज की, लेकिन हिंदी अनुवाद कितने हुए बस पूछिए नहीं। 121 विद्वानों ने इसके हिंदी अनुवाद किए हैं। इतने हिंदी अनुवाद आज तक किसी भी स्तोत्र वगैरह के नहीं हुए।
ये अनुपम स्तोत्र है। पंडित जी, क्या हम भक्तांबर स्तोत्र को संस्कृत की बजाय हिंदी अनुवाद में पढ़ें तो क्या उतना ही फल मिलेगा? नहीं, ऐसा कैसे होगा? हिंदी अनुवाद हिंदी अनुवाद है। संस्कृत तो आचार्य मानतुंग महाराज ने जो संस्कृत का इस तो श्लोक जो काव्य लिखा है ना, स्तोत्र लिखा है, ये तो इसका हर काव्य मंत्र है। आप सोचो, रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, इसकी महिमा गजब है। अगर आप इसकी बजाय ये बोल देना अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, तो क्या बराबर फल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उच्चारण तो संस्कृत वाले स्तोत्र का ही होना चाहिए। अगर कोई ये कहे हमें संस्कृत बोलना नहीं आता, तो सीख लो ना, क्या बात है। आप संस्कृत में बोलें, संस्कृत सीख लें और संस्कृत में बोलकर संस्कृत का आनंद लें। हिंदी अनुवाद बोल लें कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हिंदी अनुवाद से संस्कृत का स्तोत्र बहुत अच्छा और बहुत अधिक फल देने वाला है। अतः कोशिश तो यही करें कि संस्कृत का भक्तामर स्तोत्र का वाचन ही हो। यह संस्तुतः सकलो वाङ्मय तत्वबोधा, बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथ, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेतो हरैरुदारैः, किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, सोऽस्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आइए अब अर्थ पर विचार करते हैं। यह संस्तुतः, जिनका स्तवन किया गया था, सकल माने संपूर्ण, वांग में माने जिनवाणी के, तत्व माने तत्व को जानने से, उद्भूत माने उत्पन्न हुई है बुद्धि की चतुराई जिनमें, कौन ऐसे सुर माने देव और देवलोक के नाथों के द्वारा। एक एक शब्द देखिए ध्यान से। जिनका स्तवन किया गया था संपूर्ण, जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी के, तत्व को जानने से उत्पन्न हुई है बुद्धि की पटुभी माने चतुराई जिनमें। देखिए, बुद्धि पटुभी, बुद्धि के द्वारा चतुर, ऐसे कौन सुर माने स्वर्ग, लोक के नाथ माने इंद्रों के द्वारा। अर्थात इंद्र कैसे होते हैं? संपूर्ण जिनवाणी के ज्ञाता होते हैं, और जिन देवता जिन इंद्रों ने संपूर्ण जिनवाणी के तत्व को जानकर बुद्धि में चतुराई प्राप्त की थी, ऐसे इंद्रों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया था। किसके द्वारा? स्तोत्र ही स्तोत्रों से। कैसे स्तोत्र थे? जगत त्रितय, जगत माने संसार लोक, और त्रितय माने तीनों, तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरने वाले स्तोत्रों के द्वारा। इंद्र ने भगवान का स्तवन किया स्तोत्रों से। स्तोत्र कैसे थे? कि तीनों लोकों के जीवों के चित्त को हरने वाले थे, ऐसे स्तोत्र। इंद्र के द्वारा स्तवन की हम क्या बात करें। और उदारही उत्कृष्ट श्रेष्ठ, देखिए उदारही उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, ऐसे स्तोत्रों से जिनका स्तवन किया था। किसने? इंद्रों ने। तम माने उन,
प्रथमम माने प्रथम, जिनेन्द्रम माने जिनेन्द्र तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु का, किल माने निश्चय से, अहम अपि माने मैं भी स्तोष्ये स्तवन करूंगा। पहले काव्य में मानतुंग स्वामी ने कहा था उनके दोनों चरण कमलों को अच्छी प्रकार प्रणाम करके, प्रणाम करके क्या करने जा रहे हैं, स्तवन करने जा रहे हैं। किनका? भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान का। कैसे हैं प्रथम तीर्थंकर? जिनका स्तवन इंद्रों ने किया था। किनके द्वारा? तीनों लोकों के चित्त को हरने वाले और श्रेष्ठ स्तोत्रों के द्वारा। इंद्र कैसा था? जो समस्त जिनवाणी को जिसने जान लिया था और जिसकी बुद्धि में बड़ी चतुराई उत्पन्न हो गई थी, ऐसे इंद्रों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया था। तम माने उन, प्रथमम माने प्रथम, जिनेन्द्रम माने तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का, किल माने निश्चय से, अहम माने मैं भी स्तवन करूंगा। इस काव्य में मानतुंग स्वामी क्या बता रहे हैं कि मैं इस स्तोत्र में संकल्प कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं कि जिन भगवान ऋषभ देव का इंद्रों ने स्तवन किया था, उन भगवान ऋषभ देव का मैं भी स्तवन करूंगा। एक बार फिर देखते हैं, संस्कृत है, आपको थोड़ी कड़ी तो लगती होगी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मन लगाएंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। और फिर जीवन भर का मामला है ना, भक्तामर स्तोत्र आपको हमेशा पढ़ना है, पढ़ना है तो अर्थ सहित पढ़ने का आनंद हम क्यों ना ले। देखिए, फिर देखिए, जिनका स्तवन किया गया था सुरलोक नाथई, सुरलोक स्वर्गलोक के नाथ माने इंद्रों के द्वारा। इंद्र कैसे हैं? संपूर्ण जिनवाणी के तत्व को जानने से जिनमें बुद्धि की चतुराई उत्पन्न हुई है, मतलब द्वादशांग को जानने से जो बड़े चतुर हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया था। किनके द्वारा? तीनों लोकों के, जगत माने लोक, त्रितय माने तीनों, तीनों लोकों के चित्त को हरने वाले और उदार ही माने उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा। देवेंद्रों ने आपका स्तवन किया था। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ ऋषभ देव का, किल माने निश्चय से, मैं भी स्तोष्ये स्तवन करूंगा। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं उन भगवान ऋषभ देव का स्तवन इंद्रों ने किया था, इंद्रों में बड़ा ज्ञान था, द्वादशांग के ज्ञान थे, उन्होंने स्तवन किया था, मुझ में उतना ज्ञान नहीं, फिर भी मैं उन प्रथम भगवान आदिनाथ का स्तवन करूंगा। शब्दार्थ देखें, सकल वांग में समस्त द्वादशांग, जिनवाणी पूरी, तत्व बोधात, उसके तत्व के बोध माने ज्ञान से, उद्भूत माने उत्पन्न हुई है, बुद्धि पटवी ही बुद्धि के द्वारा, चतुर अर्थात बुद्धि की चतुराई जिनमें, उदार ही उदारे माने उत्कृष्ट, यह संस्तुतः जिनका स्तवन किया गया था, किल माने निश्चय से, अहम अपि मैं भी उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव का स्तोष्ये स्तवन करूंगा। बहुत सुंदर, हर काव्य बहुत सुंदर है, एक एक शब्द कितना शानदार। क्या इंद्र द्वादशांग का ज्ञाता होता है? आचार्य मानतुंग स्वामी कह तो रहे हैं, सकल वांग्मय तत्व बोधात, संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान होने से जिनमें बुद्धि की चतुराई उत्पन्न हुई है, सौधर्मिंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, इसमें कोई शक नहीं। जी, इंद्र कितने होते हैं? आचार्यों ने इंद्रों की गिनती 100 बताई है, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, वैमानिक देवों के 24,
सूर्य और चंद्र और मनुष्यों में चक्रवर्ती और पशुओं में सिंह, इस तरह कुल इंद्रों की गिनती 100 आचार्यों ने बताई है। सभी इंद्र जो हैं समवशरण में विराजमान रहते हैं और भगवान का स्तवन निरंतर किया करते हैं। पंडित जी, देवताओं की कौन सी भाषा होती है? विद्वानों ने कहा है देववाणी। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद, वैसे तो मालूम नहीं, शायद देवता संस्कृत में बोलते हों, इसीलिए तो संस्कृत को देववाणी कहा गया। ऐसा लगता है संस्कृत में देव बोलते होंगे। आज समय आपका पूरा होने वाला है, आपको भक्तावर स्तोत्र के 2 काव्यों का अर्थ हमने पढ़ाया। हमें उम्मीद है आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, और फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर आता है इस पे, पाठशाला चैनल पे दिया होता है, आप कभी भी किसी भी शब्द के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। आज 2 काव्य हुए। पहले काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने बताया आपके चरण कमल कैसे हैं, उन चरण कमलों की वंदना कौन करते हैं, इंद्र करते हैं बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा, लेकिन मैं भी हे भगवान आपका स्तवन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं ऐसे उन भगवान का, ऐसे भगवान आदिनाथ का मैं स्तवन करूँगा। इस तरह भगवान आदिनाथ का यह स्तवन आचार्य मानतुंग स्वामी का 6ठी शताब्दी या 10वीं शताब्दी का जो आपके सामने हम अर्थ बता रहे हैं, कितना प्राचीन, कितना महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अब निरंतर प्रतिदिन 2-2 काव्यों का अर्थ हम आपको पढ़ाएंगे। जब भी इस एपिसोड का समय हो, आप किताब लेके, कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाएं और एक एक शब्द का अर्थ पढ़ें और समझें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो उसी स्तोत्र का जिसका पाठ पहले आप करते थे और आपको थोड़ा फल मिलता था, अब बहुत फल मिलेगा, और फिर आप देखना आपके हृदय में भक्ति कितनी होगी। कभी भगवान से आँख मिला के और भक्ति तो करें, आनंद ही आनंद है, और ये भगवान की भक्ति सम्यक्त को प्रदान करने वाली है। हमें उम्मीद है आपको इस स्तोत्र के अर्थों में ज़रूर आनंद आया होगा। आइए, जय जिनेन्द्र।